आगे बढ़ते हैं। रामपुर से खबर है जहां पर एसपी प्रत्याशी के तौर पर बुधवार को नामांकन कराने वाले आसिम रजा का पर्चा रद्द कर दिया गया है। यानी कि रामपुर से आप मोहिबुल्ला नदवी एसपी के आधिकारिक प्रत्याशी होंगे। दरअसल नदवी और आसिम रजा दोनों ने नॉमिनेशन किया था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसपी प्रत्याशी के तौर पर बुधवार को नामांकन कराने वाले आसिम रजा का पर्चा खारिज हो गया है। मोहिबुल्ला नदवी अब ऑफिशियल प्रत्याशी होंगे रामपुर के। आपको बता दें कि नदवी और आसिम रजा दोनों ने ही रामपुर में नामांकन किया था और दोनों ने नॉमिनेशन फाइल किया, लेकिन अब बताया जा रहा है कि मोहिबुल्ला नदवी एसपी के आधिकारिक प्रत्याशी होंगे। देखिए, जैसे कि 7 PC रामपुर का जो लोकसभा का जो चुनाव है उसी के दौरान जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही थी, 27 तारीख जो उसकी लास्ट डेट थी नॉमिनेशंस की, आज स्क्रूटनी का समय था 28 तारीख। उसी में हम लोगों के जो टोटल हम लोगों को जो अभ्यर्थी प्राप्त हुए थे वो 18 लोगों ने आवेदन किया था, उसमें 12 लोगों के पर्चे निरस्त हुए हैं और 6 लोगों के जो पर्चे हैं वो स्वीकार हुए हैं। देखिए, जो भी कोई रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी होती है नेशनल या स्टेट, उसको फॉर्म ए और फॉर्म बी अपना देना होता है। जो मोहम्मद आसिम राजा थे उनके नामांकन पत्र में एक तो फॉर्म ए फॉर्म बी प्राप्त नहीं हुआ था, दूसरा उनका जो प्रपत्र 2 का होता है उसका भाग 2 वो भी क्या कहते हैं अनफिल्ड था, और उनको इसका नोटिस भी दिया गया था। आज 11 बजे तक स्क्रूटनी जब शुरू हुई उनके द्वारा ये प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई थी। तो नामांकन के बाद समाजवादी पार्टी में शीत युद्ध शुरू हो गया है। यूपी के मुरादाबाद से टिकट कटने पर समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन का दर्द सामने आया। उन्होंने कहा कि आजम खान ने टिकट दिलाया था और अब उन्होंने अखिलेश यादव पर दबाव डालकर उनका टिकट कटवा दिया, हिसाब अब बराबर हो गया। ये दर्द है एसटी हसन का, जिनको पहले टिकट दिया गया, बाद में उनका टिकट काटकर रुचिवीरा को समाजवादी पार्टी ने आधिकारिक तौर पर अपना प्रत्याशी बनाया। अब जबकि रुचिवीरा ने नामांकन कर दिया है तो एसटी हसन का इस पर रिएक्शन सामने आया है और उन्होंने कहा है कि आजम खान साहब ने पहले टिकट दिलवाया था और बाद में अखिलेश यादव के ऊपर दबाव डालकर उनका नाम हटवा दिया, इसके साथ ही हिसाब बराबर हो गया। हिंदुस्तान के सबसे बड़े रिलीजियस लीडर जिन्होंने मुझसे बगैर कहे ना मेरी सिफारिश पे अखिलेश यादव जी को लेटर भेजा, मुझे तो जब पता चला जब वो वायरल हुआ, उनकी सिफारिश को आसानी से नहीं टालते थे अखिलेश यादव जी, लेकिन ये इतना बड़ा दबाव था कि उनको भी दरकिनार करके दूसरे को टिकट देना पड़ा। और वकीलों की सीजेआई को लिखी चिट्ठी पर पीएम मोदी का बयान आया है, दूसरों को डराना कांग्रेस की संस्कृति है, देश के प्रति जिम्मेदारी से बच रही कांग्रेस, 140 करोड़ भारतीयों ने कांग्रेस को नकारा है, ये प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। देश में चुनाव का बिगुल बज चुका है, पहले फेज का नामांकन खत्म हो चुका है, वोटिंग की तैयारी हो रही है। इस बीच देश के 600 से ज्यादा बड़े वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को एक पत्र लिखा है। उन्होंने इस चिट्ठी में कहा है कि एक विशेष ग्रुप देश में न्यायपालिका को कमजोर करने में जुटा हुआ है। चिट्ठी में देश भर के 600 वरिष्ठ और नामचीन वकीलों ने लिखा कि विशेष ग्रुप अदालती फैसलों को प्रभावित करने के लिए दबाव डालता है। विशेष ग्रुप से ऐसे मामलों में जिनसे या तो राजनेता जुड़े हुए हैं या फिर जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। चिट्ठी में कहा गया है कि इनकी गतिविधियां देश के लोकतांत्रिक ताने बाने और न्यायिक प्रक्रिया को कमजोर करने वाली हैं। देखिए, एक वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते ये जो परंपरा खासकर विपक्षी दलों से जुड़े हुए अधिवक्ता, कांग्रेस पार्टी हो, आप पार्टी हो, तमाम और विपक्षी दल हैं, जो लोग दबाव बनाते हैं न्यायपालिका पे, न्यायाधीशों पे आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं बिना प्रमाण के, ये चिंताजनक है। और मैं समझता हूँ ये चिट्ठी जो जन भावना है उसी को दर्शाती है।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखने वालों में वरिष्ठ वकील हरीश सालवे, पिंकी आनंद, मनन कुमार मिश्रा, आदिश अग्रवाल, चेतन मित्तल, हितेश जैन, उज्ज्वला पवार, उदय होल्ला, स्वरूपमा चतुर्वेदी शामिल हैं। माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय को बताया है कि जिस ढंग से खास करके चुनाव का समय चुना गया है चंद लोगों के द्वारा, चंद वकीलों के द्वारा, और हमारे जुडिशियरी जैसे पायस इंस्टीट्यूशन को जो कि हमारे संविधान की गार्जियन मानी जाती है उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसका एकमात्र उद्देश्य है जुडिशियरी पर, हमारे ऑनरेबल जजेज पर प्रेशर डालना। चीफ जस्टिस को लिखी चिट्ठी में वकीलों ने आरोप लगाया कि ये खास समूह अलग अलग तरीकों से प्रपंच कर रहे हैं, इससे न्यायपालिका की गरिमा को नुकसान होता है। चिट्ठी में कहा गया है कि ये समूह ऐसे बयान देते हैं जो सही नहीं होते हैं और ये राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा करते हैं। चिट्ठी में बेंच फिक्सिंग और घरेलू अदालतों की अराजक शासन जैसे आरोपों पर चिंता जाहिर की गई है। वकीलों ने न्यायपालिका की अखंडता को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट से इन हमलों के खिलाफ सुरक्षात्मक कदम उठाने का अनुरोध किया है। खबर मेरठ से है। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट के बीजेपी उम्मीदवार बनाए गए अरुण गोविल ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है और कहा है कि उन्हें जनता शब्द अच्छा नहीं लगता है क्योंकि जनता उनके लिए भाई बहन है। उन्होंने कहा कि जन्मभूमि ही मेरे लिए कर्मभूमि है। रामायण सीरियल में श्रीराम का किरदार निभाकर देश भर में चर्चित अरुण गोविल लोगों के बीच जाकर यही कहते हुए नजर आते हैं कि उनकी घर वापसी हो गई है। मिशन 2024 को लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां जोर आजमाइश में जुटी हुई हैं। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से अरुण गोविल जी को उम्मीदवार बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अरुण गोविल जी से हम सीधे वार्तालाप करते हैं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं अभिनेता से नेता बने अरुण गोविल जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। मेरठ की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे और अभिनेता से नेता बनने का यह सफर इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अभिनेता से नेता बनने का जो ये सफ़र है ये तो बहुत लंबा है क्योंकि अभिनेता का सफ़र मेरा बहुत लंबा रहा है, उसके लिए तो बहुत सारा समय लग जाएगा। लेकिन जो मेरठ की जो जनता है, मैं शब्द जनता यूज़ नहीं करता, मैं भाई और बहन यूज़ करता हूँ उसके उनके लिए। जनता नाम की कोई चीज़ नहीं होती मेरे लिए। तो जो मेरठ के भाई बहन हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंपी गई है भारतीय जनता पार्टी ने, परमादरणीय मोदी जी ने, योगी जी ने और सभी यहाँ के जो हमारे सभी यशस्वी नेता हैं, उन्होंने जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंपी है, जो विश्वास मेरे ऊपर जताकर मुझे यहाँ से मैं प्रत्याशी बना हूँ, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपने आप को उस विश्वास पे खरा उतार सकूँ। सबसे पहली बात तो यह है। और दूसरी बात, मैं यहाँ, मेरा और कोई मकसद यहाँ नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ के यहाँ सेवा करने आया हूँ क्योंकि मेरी जन्मस्थली है, मैं पढ़ा यहाँ, मेरी बड़ा मैं यहाँ पर हुआ, तो जो एक अपनी मिट्टी से जो लगाव होता है वो मेरा लगाव है यहाँ, तो मैं उस मिट्टी के लिए, यहाँ के भाइयों बहनों के लिए मैं कुछ कर सका तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।